नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के विचार सच जानने के लिए पहुंच रहे हैं और जानते हैं कि आज लोगों का क्या कहना है बाबा राम रहीम जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। नमस्कार, क्या नाम आपका? शेफी इंसान। शेफी जी, क्वालिफिकेशन क्या है? बीए ग्रेजुएशन। आप कब से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? हम काफ़ी टाइम से, शुरू से ही आ रहे हैं यहाँ पे, 95 से। और मैंने नामदान लिया था जब मुक्सर आए थे विराल जी, तब से नामदान लिया और तब से यहीं पे विश्वास बना हुआ है, तब से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मैम, अब तो माहौल कुछ और है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे गुरु जी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। आज आपका विश्वास कैसा है? आज विश्वास वैसे का वैसे, जैसे बल्कि अब से बढ़ गया है, पहले कम था लेकिन अब उससे, जैसे कि जैसे लोग आ रहे हैं, संगत आ रही है, उसको देख कर अब हमारा विश्वास और बढ़ गया है। क्यों? मतलब एक तरफ तो कुछ और दिखाया गया उनके बारे में, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पिताजी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इसीलिए लोग इतनी संगत जुड़े हुए हैं। 134 उन्होंने मान्यता पाई के कारण, जैसे कि पंछियों को दाना डालना, भूखे लोगों को भोजन खिलाना, ये सब ब्लड डोनेशन का हो गया, बॉडी दान का हो गया, सब कुछ है ऐसे। तो इन सबके रहमत से ही, पिताजी के रहमत से आज हमारे साथ खुद का करिश्मा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आज समाज को उनकी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है समाज को उनकी, क्योंकि आज तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज को सुधारे, इतना यहाँ तक पहुँचाया, समाज को सुधारा है कोई भी व्यक्ति नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई भी है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया देश के लिए और काम? उन्होंने देश के लिए बहुत ही कार्य किए हैं, जैसे कि सरकार से क्या अपील करोगे उनके लिए? सरकार से यही अपील करूँगी कि हमारे पिताजी हैं जो उनके जो झूठे मतलब केस चलाए हैं, उनको मतलब कि रिहा किया जाए, उनसे हटवाए जाएं। थैंक यू सो मच, ये थे हमारे साथ वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो अपील कर रहे हैं सरकार से, इस समाज से, कि हमें आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की बहुत जरूरत है। आपकी क्या राय है इन लोगों के लिए, जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम।